हमने देखा कि सेबी ने कौन कौन से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब अगर हम बात करें ऋण पत्रों के शोधन की विधियों की, जो कि क्रियात्मक प्रश्नों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, और इन्हीं को आधार मानकर, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम आगे अपने क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे, तो सबसे पहले जो विधि होती है वो होती है एक निर्धारित अवधि के बाद समस्त राशि का भुगतान एक साथ कर देना। दूसरा एक हो सकता है, दूसरी विधि हो सकती है कि किश्तों में या लॉटरी विधि का प्रयोग करके भुगतान करना। तीसरी विधि हो सकती है कि खुले बाजार में अपने ही ऋण पत्रों को क्रय करके शोधन करना। और चौथी विधि हो सकती है अंशों और ऋण पत्रों को संपरिवर्तित करके, चेंज करके, ऋण पत्रों को नए अंशों में या नए ऋण पत्रों में चेंज करके। तो आगे हम इस सभी बिंदुओं को विस्तार से पढ़ेंगे, और फिलहाल अभी हम ये देखते हैं कि किस तरह से एक निश्चित अवधि के बाद कंपनी ऋण पत्रों के शोधन की पूरी राशि एक साथ भुगतान करती है। ऐसी दशाओं में जबकि एक साथ भुगतान किया जाता है, तो ये जो शोधन है ये पूंजी में से या फिर लाभ में से, जैसे कि अभी हमने देखा पूंजी या लाभ में से इसका शोधन किया जाता है। एच लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 3012% ऋण पत्र 5% बट्टे पर निर्गमित किए, जो चौथे वर्ष के अंत में लाभ में से सम मूल्य पर शोध थे। निर्गमन तथा शोधन दोनों के समय पंजी प्रविष्टियां कीजिए। यहां जब हम इशू करेंगे डेबेंचर, तो उसके लिए हम जनरल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। और क्योंकि 5% डिस्काउंट है इसमें, तो यहाँ पर जो इसके डिस्काउंट के अमाउंट है वो लेस करके बाकी अमाउंट को हम लिखेंगे। टोटल 3000 शेयर्स थे, 100 रुपीज का एक शेयर है, 3 लाख अमाउंट होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें 5% डिस्काउंट है, यानी कि 3 लाख का 5% 15000 डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट को हम अलग करके फिर इस मनी को हमने रिसीव किया है। तो हम यहाँ पे 3 लाख माइनस 15000, 2,85,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब सेकेंड एंट्री जब हम करेंगे इसके डिस्काउंट के साथ, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी डेबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डेबेंचर ऑन इशू ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डेबेंचर एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डेबेंचर अकाउंट। तो यहाँ हमने पहले भी देखा था कि एप्लीकेशन पे हमने 2,85,000 रिसीव किया है, डिस्काउंट जो है हमारा वो 15,000 है, टोटल जो अमाउंट है डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर होगी वो 3 लाख है। और इसके बाद जो एंट्री होगी उसमें हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो DRR है एज पर 117C1 सेबी के नियम के अकॉर्डिंग, तो ये जो अमाउंट होगी ये इसके ये टोटल की हाफ अमाउंट हो जाएगी, यानी 1,50,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और अब सेकंड कंडीशन में जबकि रिडम्पशन होगा, तो रिडम्पशन के लिए यहाँ पर हम एंट्री करेंगे 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, 3 लाख से हम इसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3000 शेयर है, 100 रुपीज का एक शेयर है, और बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन इसका नरेशन हम लिखेंगे। और अब जबकि पेमेंट करना होगा हमें डिबेंचर होल्डर्स को, तो उसके लिए हम जनरल एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और 3 लाख से हम इसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि ड्यू हुई थी 3 लाख के अमाउंट, और वो पूरा हमको पे करना है डिबेंचर होल्डर्स को, और नरेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं बीइंग द पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स। ये जो अमाउंट है जब उसको हम जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 50% अमाउंट, तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 1,50,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे, और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग द ट्रांसफर DRR टू GR, यानी कि जनरल रिजर्व। एम लिमिटेड ने 6,00,000 रुपए के 100 रुपए वाले 12% ऋण पत्र 5% बट्टे पर निर्गमित किए, जो लाभ में से 5% प्रीमियम पर शोध थे। निर्गमन तथा शोधन के समय जनरल प्रविष्टि कीजिए। यहाँ पर क्योंकि जो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके दे दी गई है 6,00,000 रुपए यहाँ पर डिबेंचर्स के लिए हैं, और अब क्योंकि 5% डिस्काउंट पे ये इशू किए गए हैं, तो इशू के टाइम हम जो जनरल एंट्री करेंगे पहले हम उसमें 5% डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि 6 लाख का 5% यानी कि 30,000 आएगा। ओवरऑल हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अब वो अमाउंट जो कि हमको बैंक में लिखना है वो 6 लाख माइनस 30,000 यानी 5,70,000 से हम उसकी एंट्री करेंगे। तो आइए देखते हैं जनरल एंट्री क्या लिखेंगे हम यहाँ पर।
तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब यहाँ पर क्योंकि हमने लॉस लिखा हुआ है, क्योंकि 5% डिस्काउंट पे एक तो इश्यू किए गए थे और रिडेम्पशन पे 5% प्रीमियम हो गया, तो दोनों को हम यहाँ पे कैलकुलेट करके लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो 6 लाख पे हमने 5% डिस्काउंट कैलकुलेट किया था 30,000, और 6 लाख पे 5% प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे हम, वो भी 30,000 आएगा। तो टोटल 60,000 का यहाँ पर लॉस हम कैलकुलेट करेंगे और उसको यहाँ लिखेंगे। अमाउंट हम किस तरह से लिखेंगे, तो हमने देखा कि बैंक अकाउंट के डेबिट में हम 5,70,000 लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट और रिडेम्पशन पर प्रीमियम दोनों को मिला के 60,000 होता है, और 12% डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में टोटल जो अमाउंट है डिबेंचर्स के 6 लाख वो हम लिखेंगे, और प्रीमियम को अगर हम अलग से लिखते हैं यहाँ पर तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट में 30,000 जो उसका प्रीमियम कैलकुलेट किए थे वो लिखेंगे। नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग द इश्यू ऑफ डिबेंचर एट 5% डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट 5% प्रीमियम। नेक्स्ट जब रिडेम्पशन की हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि प्रीमियम पे रिडेम्पशन हुआ है तो हमारी एंट्री हो जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन, ये हम नरेशन लिखेंगे, और 12% डिबेंचर अकाउंट के डेबिट में हम 6 लाख लिखेंगे। प्रीमियम हमने कैलकुलेट किया हुआ था 30,000, वो हम प्रीमियम के सामने डेबिट में लिखेंगे, और टोटल 6,30,000 हम डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। अब जबकि पेमेंट मेड करना है हमको डिबेंचर होल्डर्स को, तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि विद प्रीमियम हमको पे करना है, तो 6,30,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे, और उसके बाद जनरल रिजर्व में जब हम इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट बीइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन। 1 जनवरी 2001 को एम लिमिटेड ने अपने अदत्त 8 लाख रुपए के 12% ऋण पत्रों का 5% प्रीमियम पर शोधन करने के आशय से नोटिस दिया। कंपनी के लाभ हानि खाते में क्रेडिट शेष 8,40,000 रुपए का है। लाभांश घोषित करने के स्थान पर कंपनी ने इस लाभ को उपयुक्त ऋण पत्रों के शोधन करने में प्रयोग करने का निर्णय लिया। इन ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए कंपनी कौन से जनरल प्रविष्टि करेगी। यहाँ पर दो चीजें दी हुई हैं, एक तो 8 लाख रुपए के 12% ऋण पत्र है जिनका शोधन दिया गया है 5% प्रीमियम पर, और कंपनी के लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष भी साथ में दे दिया गया है। तो इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए हमको एंट्री करनी है, और शोधन के लिए ही केवल कहा गया है प्रश्न में कि शोधन की प्रविष्टि ही हमको यहाँ पर करनी है, तो यहाँ पर हम केवल शोधन की प्रविष्टि करेंगे, जिसमें फर्स्ट एंट्री जो हमारी हो जाएगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्योंकि यहाँ पर हम केवल रिडेम्पशन की एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ नरेशन हम लिखेंगे बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से हम जो प्रीमियम प्रोवाइड कर रहे हैं रिडेम्पशन पे वो हम उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर हम करेंगे। तो 8 लाख का हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिबेंचर है वो था, और कंपनी के लाभ हानि खाते में जो शेष था वो 8,40,000 का था, यानी डिफरेंस की जो अमाउंट बढ़ी हुई अमाउंट है, और इस बढ़ी हुई अमाउंट को हम प्रीमियम मानकर यहाँ पर इसकी एंट्री करेंगे, प्रीमियम मानकर हम इसको अलग कर लेंगे, तो यहाँ पर हम जो अमाउंट लिखेंगे वो 40,000 लिखेंगे। दूसरा जबकि ये जो रिडेम्पशन की जो अमाउंट है उसको हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट में, तो प्रीमियम और एक्चुअल अमाउंट को हम अलग अलग करेंगे, और उसके लिए हम जनरल एंट्री पास करेंगे 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और तो यहाँ पर जब हम अमाउंट लिखेंगे तो देखेंगे कि जो 8 लाख के डिबेंचर्स थे उस पर 5% प्रीमियम है, तो 8 लाख इंटू 5% यानी कि 40,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे, और सेकेंड जब हम जनरल रिजर्व में और सेकेंड जब हम डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर की इसकी एंट्री करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे एंट्री हो जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब क्योंकि 12% डिबेंचर जो है वो 8 लाख के हैं, तो इसके डेबिट में हम 8 लाख लिखेंगे,
प्रीमियम हमने कैलकुलेट किया 40,000 था, वो 40,000 हम लिखेंगे, और फिर डेबेंचर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट में हम 8,40,000 लिखेंगे, और नरेशन यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीइंग डेबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डेबेंचर अकाउंट ट्रांसफर टू डेबेंचर होल्डर अकाउंट। अब जबकि इनको पेमेंट करना है डेबेंचर होल्डर्स को, तो नॉर्मल हम जो एंट्री कर रहे थे अभी तक वही एंट्री करेंगे, डेबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड टू डेबेंचर होल्डर्स, और क्योंकि विद प्रीमियम इनको हमको पे करना है तो 8,40,000 से इसकी एंट्री करेंगे। और अब जबकि जनरल रिजर्व में इसको ट्रांसफर करना है तो यहाँ हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, और 8,00,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। पूंजी में से शोधन को अगर हम समझे तो एक बात यहाँ पर जान लेना जरूरी है कि अगर ऋण पत्र के शोधन के समय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने बनाया है इसमें से अगर आवश्यक लाभ को हम DDR अकाउंट यानी जिसे हम कहते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में अगर अंतरित नहीं करते हैं तो इस प्रकार जो शोधन होता है उसे हम पूंजी में से शोधन कहते हैं, और इसकी अपनी कुछ अलग जनरल एंट्रीज होती हैं। आइए देखते हैं कि जब पूंजी में से शोधन किया जाता है तो किस प्रकार की पंजी प्रविष्टियां की जाती हैं। ऋण पत्रों का शोधन के लिए देय होने पर ऑन डिबेंचर बिकम ड्यू फॉर रिडेम्पशन, पहली कंडीशन, यदि ऋण पत्रों का शोधन सममूल्य पर किया जाता है तो प्रविष्टि की जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। दूसरी कंडीशन, जब ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर किया जाता है तो एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तीसरी कंडीशन में, जब ऋण पत्रों का शोधन बट्टे पर किया जाता है तो प्रविष्टि की जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। शोधन होने पर प्रविष्टि की जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब पूंजी में से शोधन के बाद जो दूसरी कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि इन ऋण पत्रों का शोधन लाभ में से कर दिया जाए। तो जब लाभ में से ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है तो यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो से जो रकम होती है उसको DRR यानी कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और ऐसा जब करा जाता है तो ये माना जाता है कि ये जो शोधन हुआ है एक्चुअल वो लाभ में से शोधन हुआ है। और ऐसी कंडीशन में जबकि लाभ में से शोधन होता है तो पूंजी से शोधन के साथ साथ कुछ अन्य जनरल प्रविष्टियां भी कंडीशन पे डिपेंड करता है तो अन्य जनरल प्रविष्टियां भी की जाती हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी पंजी प्रविष्टियां होती हैं जो कि लाभ में से शोधन की स्थिति में करनी होती हैं। लाभ में से शोधन होने पर प्रविष्टि की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट या फिर सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। यहाँ हम नरेशन लिखेंगे फॉर ट्रांसफर टू प्रॉफिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, यानी कि लाभ हानि विनियोजन खाता डेबिट, या फिर हम इसकी जगह लिख सकते हैं लाभ हानि विवरण आधिक्य खाता डेबिट ऋण पत्र शोधन संचय खाता से, लाभ हानि का ऋण पत्र शोधन संचय खाते में स्थानांतरित करने पर। अब जबकि हमने देखा कि किस तरह से पंजी प्रविष्टियां की जाती हैं लाभ में से जब ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है तो कुछ विशेष बातों का हमको और यहाँ पर ध्यान में रखना होता है जब हम लाभ में से ऋण पत्रों का शोधन करते हैं। तो जैसे एक तो ये बात कि अगर ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर किया जाता है तो प्रीमियम की जो व्यवस्था होती है वो भी इसी लाभ की राशि के अंतर्गत ही करना होता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि यदि शोधन एक मुश्त होता है तो उस कंडीशन में क्या करें, तो उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ऋण के बराबर के अंकित मूल्य की जो राशि होती है उसको हम फिर DRR अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के स्थान पर सीधे हम उस पूरी राशि को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसी संचिति में से फिर हम शोधन का कार्य करते रहते हैं। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातों को हमको ध्यान में रखना है कि प्रीमियम अगर शोधन के साथ है तो हमको क्या करना है, और दूसरी बात कि एक मुश्त अगर पूरी की पूरी राशि देनी है तो हमको किन बातों को ध्यान में रखना है। अब एक टॉपिक देखते हैं हम जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि लाभों का व्यवसाय के बाहर अगर निवेश किया जाता है तो क्या होता है।
कंपनी को, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी समय ऋण पत्रों का शोधन करना ही होता है, चाहे वो अवधि की समाप्ति के पश्चात करें या अवधि की समाप्ति के पहले करें। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये कि ऋण पत्रों पर संपूर्ण राशि का भुगतान जब एक साथ करना होता है तब कंपनी के लिए उस पूरी राशि की व्यवस्था करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। इन सब परेशानियों से बचने के लिए कंपनी अपने जो उसके विभाजन योग्य लाभ होते हैं उसमें से कुछ राशि को प्रतिवर्ष वो कुछ ऐसे जगह पर वो इन्वेस्ट करती है, ऐसी जगहों पर विनियोग करती है जहाँ से उसको लाभ प्राप्त, अतिरिक्त लाभ ब्याज के रूप में प्राप्त होता रहता है। ब्याज के रूप में प्राप्त राशि और विनियोजित राशि को फिर वो मिलाकर कहीं ना कहीं विनियोजित कर देती है, यानी कि कुल मिलाकर एक हिस्सा तो वो ऐसा रखती है जो केवल विनियोग किया जाता रहता है और इसलिए जमा होते रहता है वो पैसा, ताकि भविष्य में अगर ऋण पत्रों का शोधन करना हो, भुगतान करना हो, तो बहुत आसानी से उसमें से पैसा निकाल के दिया जा सके। अब ये जो अतिरिक्त जो दशाएं बनती है जब व्यवसाय के बाहर कंपनी अपने लाभ को निवेश कर देती है, इसमें भी अपने आप में दो कंडीशंस, दो दशाएं हो सकती हैं। जैसे कि पहला तो एक ये विधि कि शोधन कोष बनाकर, शोधन कोष विधि के द्वारा स्थानांतरित किया जाए कुछ राशि, और दूसरी होती है बीमा पॉलिसी विधि। तो पहली विधि की अगर हम बात करें, शोधन कोष विधि जिसे हम सिंकिंग फंड मेथड बोलते हैं, इस कंडीशन में कंपनी क्या करती है कि एक सिंकिंग फंड कोष एक बना लेती है अपना और उसमें एक निश्चित राशि साल दर साल स्थानांतरित करती जाती है। अब उसकी मूल राशि जो उसने वहाँ पर ट्रांसफ़र की है और ब्याज की राशि दोनों को ऐड करके फिर वो फिर से विनियोजित कर दी जाती है, और ये जो क्रम है चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर साल दर साल चलते रहता है। तो इस तरह से जब ये प्रक्रिया चलती रहती है तो कंपनी के पास कुछ समय के बाद इतनी पर्याप्त धनराशि हो जाती है कि बहुत आसानी से वो अपने ऋण पत्रों का शोधन कर लेती है, भुगतान कर लेती है, ऋण पत्रों का शोधन कर लेती है, भुगतान कर लेती है। तो जब सिंकिंग फंड मेथड के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाती है, ऋण पत्रों पर भुगतान किया जाता है, तो किस तरह से पंजी प्रविष्टि की जाती है, आइए देखते हैं। शोधन निधि विधि के क्रिया से संबंधित जो लेखांकन की प्रविष्टि की जाएगी वो इस प्रकार होगी। पहला, पहले वर्ष के अंत में, इसके अंदर पहली कंडीशन होगी जबकि लाभ की निश्चित राशि को अलग रखा जाए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट, यानी लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट ऋण पत्र शोधन खाता से। दूसरी प्रविष्टि होगी जबकि निश्चित राशि का निवेश किया जाए, यहाँ हम प्रविष्टि करेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी ऋण पत्र शोधन कोष निवेश खाता डेबिट बैंक खाता से। सेकेंड कंडीशन में जबकि द्वितीय वर्ष तथा पश्चातवर्ती वर्ष यानी कि अंतिम वर्ष को छोड़कर उसके अंत में जब प्रविष्टि की जाती है तो थर्ड कंडीशन यहाँ बनती है, निवेशों पर ब्याज प्राप्त होने पर, फॉर रिसीविंग द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यह हमारी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी बैंक खाता डेबिट ऋण पत्र शोधन कोष निवेश पर ब्याज खाता से। चौथी कंडीशन में जबकि ब्याज को ऋण पत्र शोधन कोष में हस्तांतरित किया जाएगा, यहाँ प्रविष्टि होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, यानी ऋण पत्र शोधन कोष निवेश पर ब्याज खाता डेबिट ऋण पत्र शोधन कोष खाता से। पांचवी कंडीशन में जबकि लाभ की निश्चित राशि को अलग रखा जाएगा, तो यहाँ पर जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, लाभ हानि विनियोजन खाता डेबिट ऋण पत्र शोधन कोष खाता से, और यहाँ पर हम जो प्रविष्टि करेंगे वो अलग की गई लाभ की राशि से करेंगे। छठवीं जो एंट्री कंडीशन यहाँ पर बनती है वो है वार्षिक राशि को ब्याज सहित निवेश करने पर, यहाँ जनरल एंट्री होगी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, व्यवस्थापन शोधन कोष निवेश खाता डेबिट बैंक खाता से, और यहाँ पर जो प्रविष्टि की जाएगी वो निवेश की राशि से यानी कि इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से की जाएगी। तीसरी कंडीशन में जबकि वर्ष के अंत में प्रविष्टि की जाएगी, तो इसमें जो कंडीशन बनेगी वो होगी निवेशों पर ब्याज प्राप्त होने पर, यहाँ जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
बैंक खाता डेबिट, ऋण पत्र, शोधन कोष, निवेश पर ब्याज खाता से। यहाँ पर हम जो एंट्री करेंगे उसमें प्राप्त ब्याज की राशि से हम इसकी प्रविष्टि करेंगे। आठवीं जो दशा बनती है, थर्ड जो हमारा ये मैटर है अंतिम वर्ष के अंत में, इसके अंतर्गत आठवीं प्रविष्टि जो बनती है वो है प्राप्त ब्याज की राशि को ऋण पत्र शोधन कोष में अंतरित करने पर। यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, ऋण पत्र शोधन निवेश पर ब्याज खाता डेबिट ऋण पत्र शोधन कोष खाते से। नाइन्थ कंडीशन बनती है जबकि लाभ की वार्षिकी राशि को अलग रखा जाए। यहाँ इसके लिए हम जनरल एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, और इसमें हम जो अमाउंट लिखेंगे वो लाभ की जो भी वार्षिकी राशि होगी जो हमने अलग रखी हुई है उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। दसवीं जो कंडीशन बनती है उसमें निवेशों को बेचने पर, उसके लिए हम जनरल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक खाता डेबिट ऋण पत्र शोधन कोष निवेश खाता से, और इसके अंतर्गत हम बिक्री की राशि को लिखेंगे। ग्यारहवीं जो दशा हमारी बनती है उसके अंतर्गत हम दो जो हमारी कंडीशन होती है उसकी हम एंट्री करेंगे। एक तो ऋण पत्र शोधन कोष निवेश को बेचने पर लाभ होगा, और या फिर ऋण पत्र शोधन कोष निवेश को बेचने पे हानि होगी। तो अगर लाभ होता है तो लाभ की स्थिति में हम एंट्री करेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, तो इस कंडीशन में हम एंट्री करेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, ऋण पत्र शोधन कोष निवेश खाता डेबिट ऋण पत्र शोधन कोष खाता से, और यहाँ पर हम अमाउंट जो लिखेंगे वो लाभ की जो राशि रहेगी प्रॉफिट जो अमाउंट रहेगा उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। दूसरी स्थिति बनती है जबकि ऋण पत्र शोधन कोष को बेचने पर अगर हानि होती है, तो हानि की कंडीशन में हम जनरल एंट्री करते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पर हम जो एंट्री करते हैं अमाउंट जो लिखते हैं वो हानि की जो राशि होती है लॉस अमाउंट वो हम लिखते हैं ऋण पत्र शोधन कोष खाता डेबिट ऋण पत्र शोधन कोष निवेश खाता से इसके अंतर्गत। बारहवीं जो दशा बनती है वो है ऋण पत्रों पर देय राशि के लिए। पहला एक दो कंडीशन इसमें हो सकती है कि एक तो ऋण पत्रों का शोधन सम मूल्य पर होना, और दूसरा शोधन अगर प्रीमियम पर हो तो। अगर ऋण पत्रों का शोधन सम मूल्य पर किया गया है तो यहाँ हम एंट्री करेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, यानी ऋण पत्र खाता डेबिट ऋण पत्र धारियों के खाते से, और जो भी उनको पेबल अमाउंट है देय राशि है उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। दूसरी कंडीशन बनती है कि यदि इन ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर किया गया हो, तो यहाँ हम जनरल एंट्री करते हैं डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ऋण पत्र खाता डेबिट ऋण पत्र शोधन पर प्रीमियम खाता डेबिट ऋण पत्र धारियों के खाता से। यहाँ हमको अमाउंट कौन सी लिखनी है, तो डिबेंचर अकाउंट के डेबिट में जो भी नॉमिनल वैल्यू होती है अंकित जो मूल्य होता है अंशों का वो हम लिखते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में प्रीमियम की जो राशि हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम डेबिट में लिखते हैं, और टोटल जो होता है वो हम डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। थर्टीन जो इसकी कंडीशन बनती है वो है शोधन करने पर, रिडम्पशन की जो अमाउंट होती है उससे जब हम एंट्री करते हैं तो वो होता है ये जो शोधन की जो राशि होती है वो ऋण पत्र धारियों के देय राशि के रूप में इसकी हम प्रविष्टि करते हैं, और यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये जो हमने अभी 12th कंडीशन के फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन में जो एंट्री की है यहाँ पर एक बार तो शोधन सम मूल्य पर हुआ है और उसके बाद प्रीमियम पे हुआ है, लेकिन अब चाहे वो सम मूल्य पे हुआ हो चाहे प्रीमियम पे हुआ, अब जो रिडम्पशन के अमाउंट है जब हम उसको पे करेंगे तो यहाँ हम एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऋण पत्र धारियों का खाता डेबिट बैंक खाता से, और जो भी उनको पेबल अमाउंट बनती है उसकी हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब ये जो रिडम्पशन की कंडीशन है 13 कंडीशन है उसमें अगर सम मूल्य पर शोधन होता है तो वहां पर हम एंट्री करेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ऋण पत्र खाता डेबिट बैंक खाता से, और प्रीमियम पर अगर शोधन होता है तो वहां हम एंट्री करेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 14th
14th कंडीशन जो बनती है उसमें ऋण पत्र शोधन कोष के शेष का सामान्य आरक्षिति या सामान्य संचिति में अगर हस्तांतरण करना हो तो इसमें दो कंडीशन आती है। एक तो ये कि यदि समस्त ऋण पत्रों का शोधन कर दिया जाए, और दूसरा कि ये कि उसमें से कुछ ऋण पत्रों का शोधन किया जाए। तो पहली कंडीशन, जबकि जितने डिबेंचर है सबका शोधन, सबका रिडेम्पशन कर दिया जाए, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। और जो भी ऋण पत्र शोधन का जो शेष जो टोटल रहता है उससे हम इसकी एंट्री करते हैं। और सेकेंड कंडीशन, जबकि कुछ ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम एंट्री करते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर ऋण पत्र शोधन कोष खाता डेबिट ऋण पत्र शोधन आरक्षिति खाता से जब एंट्री हम करते हैं तो शोधित ऋण पत्रों का जो अंकित मूल्य होता है, जितने ऋण पत्रों का रिडेम्पशन किया गया है केवल उतने ही ऋण पत्रों का अंकित मूल्य हम कैलकुलेट करते हैं और केवल उतनी ही अमाउंट हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर जब हम एंट्री करते हैं जनरल एंट्री और साथ में जब हम अमाउंट लिखते हैं तो कुछ ध्यान देने योग्य जो बात है वो इस प्रकार है। पहला, ऋण पत्र शोधन कोष खाता यानी कि डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट को ऋण पत्रों का शोधन होने तक की स्थिति विवरण की देयता पक्ष में आरक्षिति और अधिशेष यानी कि रिजर्व और सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। दूसरा, हमको ये ध्यान रखना है कि ऋण पत्र शोधन कोष निवेश खाता यानी कि डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को निवेश के बेचने तक की स्थिति तक का जो स्थिति विवरण रहता है उस स्थिति विवरण की परिसंपत्ति पक्ष में यानी कि इन्वेस्टमेंट का जो शीर्षक होता है उसके अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है। तीसरी एक कंडीशन बनती है कि यदि लाभ में से अलग की जाने वाली राशि की गणना की जाती है करने की जरूरत पड़ती है तो किस प्रकार उसकी गणना की जाएगी। अब ऐसी दशा में अगर ऋण पत्रों का शोधन सम मूल्य पर किया जाता है तो लाभ में से कितनी राशि किस प्रकार अलग की जाएगी उसके लिए हम जो कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे लाभ की राशि यानी कि अलग की जाने वाली राशि बराबर ऋण पत्रों का अंकित मूल्य, यानी कि यहाँ पर हम उन ऋण पत्रों का अंकित मूल्य लिखेंगे जिनका कि शोधन किया जाना है, गुणित निश्चित ब्याज दर पर दिए गए वर्ष के लिए एक रुपये का वर्तमान मूल्य जो कि हमने टेबल में सारणी में देखा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और लाभ की राशि जो कि अलग की जाने वाली राशि है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। या फिर इसके स्थान पर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ऋण पत्रों का अंकित मूल्य यानी कि वो ऋण पत्र जिनका शोधन किया जाना है बटे निश्चित ब्याज दर पर दिए गए वर्षों के लिए एक रुपए के वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, यानी कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी सेट असाइड इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड इनटू प्रीवियस वैल्यू ऑफ रुपीस वन फॉर गिवन नंबर ऑफ ईयर एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। या इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ रुपीस वन ईयर फॉर गिवन नंबर ऑफ ईयर एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पे किया जाए तो लाभ की राशि में कितना हिस्सा अलग करेंगे इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ऋण पत्रों का अंकित मूल्य प्लस शोधन पर प्रीमियम की राशि और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं निश्चित ब्याज दर पर दिए गए वर्षों के लिए एक रुपए का वर्तमान मूल्य। और अगर इसके साथ साथ निवेश में लगाई जाने वाली राशि की गणना करनी है तो किस प्रकार से हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे आइए देखते हैं।